अब हम बात करते हैं टैक्स रेट स्लेब ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। जो इंडियन कंपनीज है ना, उनके ऊपर क्या टैक्स है? कंपनी, अब याद रखना, इंडिविजुअल का हमने पढ़ लिया, HUF, IOA, BOI, उन सब के हमने बारे में पढ़ लिया। अब कंपनी पर फर्म बची थी, कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। कंपनी एक स्पेशल रहती है, मतलब उसको ना इनकॉर्पोरेट करते हुए जब कंपनी बनाते हो तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही कहते हैं कि हाँ भाई मैं ऐसा कंपनी रजिस्टर करूँ। प्राइवेट और पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीव, अगर आपके जो टर्नओवर है ना ऑफ द कंपनी डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, अगर पिछले साल टोटल टर्नओवर मतलब नॉर्मल आप ये मान के चलिए कि जितनी आपकी सेल या जितनी आपकी इनकम हुई, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, वो 400 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं थी पिछले साल में। पिछले साल कौन सा? जिस साल की इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो ना, उससे भी पिछला साल। बात समझ में आ रही है? मैं अगर 19 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की रिटर्न भर रहा हूं, तो मैं 18-19 का चेक करूंगा कि अप्रैल 18 से मार्च 19 तक मेरी रिटर्न, मेरी टर्नओवर कितना रहा था। अगर आपका 400 करोड़ से रहा, बात समझ में आ रही है ना, असेसमेंट ईयर ये वाला, फाइनेंशियल ईयर उससे पिछले वाला, और मैं 400 करोड़ देख रहा हूँ उससे भी पहले वाले साल तक, तो उसमें अगर 400 करोड़ से नीचे है तो कितना टैक्स रेट है? 25% है, 25% सीधा सीधा उठाओ जितनी भी इनकम है। कोई स्लैब रेट ही नहीं है, स्लैब रेट सिर्फ जो हमने पढ़े थे उनमें, कंपनी के अंदर स्लैब रेट नहीं होता। एक रुपए की भी अर्निंग है ना तो उस पर भी आपको 30% देना पड़ेगा, ठीक है? तो जितनी भी अर्निंग हुई उस पर आपको क्या 25% पे करना रहेगा। और अगर 400 करोड़ से ऊपर की कंपनी, मतलब बहुत बड़ी कंपनी हो भाई, 600 करोड़ से ऊपर की तेल कर रहे हो, थोड़ा अच्छा ज्यादा पैसा दो गवर्नमेंट को, कितना? 30% देना पड़ेगा, क्लियर है? फिर सरचार्ज भी लगता है, जैसे वहां पे था ना सरचार्ज, ऐसे टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। 7% ऑफ इनकम टैक्स में टोटल इनकम, टर्नओवर नहीं लिखा, इनकम बोला है, एक्सेस 1 करोड़ रुपए, मतलब जो आपके प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा आता है तो आपको कितना देना होगा? 7% देना होगा सरचार्ज प्रॉफिट। वो बात कर रहे हैं सेल की, अब ये बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। और अगर आपका 10 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है, इनकम और प्रॉफिट में स्लाइटली डिफरेंस होता है, बट थोड़ा सा आप रफली मान के चलिए, तो प्रॉफिट फिर, तो प्रॉफिट के अलावा और भी आपकी इनकम हो सकती है। सो वो आपकी कितनी, अगर 10 करोड़ से ज्यादा कर रहे हैं तो 12% का आपको क्या देना पड़ेगा? सरचार्ज देना होगा। और कितना है आपका जो एजुकेशन सेस है, ये भी टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, ये 4%, ये सब में फिक्स होता है, इसमें कोई वो नहीं है, ये 4% ही हो। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और कंपनीज के बारे में, मतलब कंपनी इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी को कितना? 40% का टैक्स रेट है। सरचार्ज जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे दे रखे हैं 2% और 5% का है। और आपका जो एजुकेशन सेस है वो कितना? 4% का। फॉरेन कंपनी जो विदेशी कंपनी होगी, जैसे कोका कोला वगैरह हो गई। फंड्स एंड LLP, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको 30% फ्लैट देना होगा। 12% का आपका क्या रहेगा उसमें? सेम रहता है, 12% का सरचार्ज रहता है 1 करोड़ से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तो। वो 4% से देखो, सेस तो सब में 4% भी है, सेस में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। मेन मेरा सेस उसमें है, सरचार्ज में और मेन टैक्स में रहता है। लोकल अथॉरिटीज पे कितना रहता है? 30% और 12% फर्म जैसा ही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना रहता है? वहां पे स्लैब बेसिस पे उन्होंने बना दिया है कि पहले 10,000 रुपए पे आपको 10% देना है, बाकी 10,000 पे 20% और उससे ऊपर भी अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो तो 30% पे आपको देना पड़ता है। जो ट्रस्ट वगैरह आ जाती है ना वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। और 12% का आपका सरचार्ज अगर 1 करोड़ से ऊपर की आपकी क्या है, जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से ऊपर की है, क्लियर है? समझ में आया? सो ये स्लैब रेट्स ना आपको थोड़े याद होने चाहिए, क्योंकि मान लिया आपके पास कोई कंपनी आ रही है, किसी से डिस्कस कर रहे हो तो बेसिकली तो पता हो, सरचार्ज नहीं पता है वो फिर भी चलेगा एक बार, वैसे तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो यहाँ पे देखो ना, सबके ऊपर 12% का स्लैब रेट आ गया, जो मतलब वो आ गया सरचार्ज, तो ठीक है सरचार्ज फिर भी नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको बेसिक रेट तो पता होने चाहिए कि किस कंपनी पे कितना आपका बेसिक रेट चल रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रेजिडेंशियल स्टेटस का।